रश्मिना जी, देश के लिए ये रजत पदक जीत के आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, पर भी हम गोल तो नहीं जीत पाया देश के लिए, पर इसलिए जैसे हम चाहते हैं नहीं पहुंच पाया, जैसे सर लोग जाता है, इसलिए थोड़ा सा दुखी भी है, पर हाँ ये जीत पाया, पर इसलिए भी ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, आप क्या लगता है आपको फाइनल में कहाँ मिस करें, क्योंकि पहले राउंड वो जीती, सेकंड राउंड में आपने उनको पटका था, लेकिन वो आप वो राउंड भी उनके नाम पे गया, तो कहाँ लगता है आपसे कमी हुई, कहाँ चूक रह गई? हम हाँ फर्स्ट राउंड तो वो जीत गया था, पर सेकंड राउंड में हम पूरा कोशिश किया, हम मतलब हम पूरा जीतेगा क्योंकि बेस्ट ऑफ थ्री होता है हम लोग का, पर हमने पूरा कोशिश किया है, पर भी नहीं हो पाया। गेम में तो हारना जीतना तो होता ही है, पर भी हम जो मेरा गलती है इस बार अच्छा से सुधार के नेक्स्ट टाइम हम अच्छा से कम बैक करेंगे, ऐसे सोचे। आपका अगला नेक्स्ट टारगेट क्या? नेक्स्ट अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रहा है, मतलब नवंबर में होगा यूएसए में, इसमें हम पूरा टारगेट है कि चैंपियन बनने का, इसलिए पूरा इस बार से पहले और अच्छा ट्रेनिंग करेंगे और अच्छा। ये मेडल आप किसको डेडिकेट करते हैं? ये मेडल मेरा मणिपुर लोगों, अभी मणिपुर के लिए जितना वो कर रहा है, मतलब हम लोग के लिए लड़ रहा है, वो लोग को डेडिकेट करता हूँ। मेरे जाति को इतना अभी वो लोग ने प्रोटेक्ट किया है, इसके लिए वो लोग को डेडिकेट करना चाहता हूँ। और आज मैं यहाँ में पहुँचा हूँ, हम साई एनसीओ इम्फाल में प्रैक्टिस करता है साल भर, मेरा सर प्रेम कुमार सिंह, उसने काफ़ी मेरा गाइडलाइंस, मतलब हर चीज पर्सनल लाइफ, मतलब बहुत उसने मदद किया है मेरे लिए, उसके वजह से मैं यहाँ पहुँच पाऊँ। उसके बाद हम जब गेम में आता है तो हम लोग का कुलदीप सर जी चिपकोस, वो दौड़ना सर एवर्डी है, और राजेश सर, वो लोग ने अच्छा से मेरा तैयारी किया है इस बार के लिए, और वो लोग को भी बहुत वो थैंकफुल कहना चाहता हूँ सर।